सॉरी, हाय भावना, गुड आफ्टरनून। हम 1-2 मिनट और रुकते हैं और फिर इसकी मैच शुरू करते हैं। तब तक कुछ और लोग ज्वाइन कर जाए तो अच्छा है। आज हमारा टॉपिक है ग्लास पेंटिंग। ग्लास पेंटिंग जो कि हम ग्लास सरफेस पे करते हैं ऑफकोर्स, और उसके लिए हम ग्लास पेंट्स यूज करते हैं। और एक्चुअली ग्लास पेंट्स पे आप कोई और कलर यूज करोगे तो उसके लिए, हाय श्वेता, जब हम ग्लास सरफेस बोलते हैं तो ग्लास सरफेस पे हम कोई भी दूसरा कलर, एक्रेलिक कलर या कोई कलर यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ कुछ उस पर प्रोटेक्शन लेयर लगानी होती है। बट जब हम उसके ऊपर कांच का बॉटल हुआ आपका, आपका ग्लास हुआ, या आपका ग्लास पीस हुआ, या फिर आपका इवन OHP शीट हुआ, आप उसके ऊपर ग्लास कलर से पेंट कर सकते हो और उसके ऊपर हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाना पड़ता। वो वॉश नहीं होगा, अगर उसमें पानी लगेगा तो वो निकलेगा नहीं। जबकि अगर हम एक्रेलिक करते हैं और उस पर पानी लगता है तो वो निकल जाता है ना? तो आज मैं आपको 3 बेस के ऊपर ग्लास पेंटिंग का जितना मुझे आता है उतना मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक मेरे पास ये बॉटल है, स्क्वायर शेप बॉटल है। कुछ भी डिफरेंट शेप के बॉटल्स होते हैं ना, वो फिर उसको डेकोरेट करो और फिर उसको हैंग करो लाइट्स लगा के, तो वो अच्छे लगते हैं। ओके, और ये 5-10 रुपीज़ में मिल जाते हैं, ऐसे कुछ वो नहीं है, इजीली मिल जाते हैं। एंड ये सबके यहाँ रहता है। हाय स्मिता, नाइस टू सी यू। ये नॉर्मल ग्लास है ना, ये सबके पास मिल जाएगा। अगर बॉटल नहीं भी है, चलो हम हमारे पास बॉटल नहीं है। अच्छा, बॉटल ना आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। आपके पास घर में सॉस का बॉटल हो, विनेगर का हो, ऑलिव ऑयल का बॉटल हो। हाय शीतल, आप कोई भी बॉटल यूज़ कर सकते हो। एंड हम इस एक तो बॉटल, एंड हमारे पास ये कांच का बॉटल है, मैं इस पर बताऊंगी। देन आप इस पे कुछ भी अपना अपना आर्टिस्ट जो भी आपके अंदर है उसको निकाल के इसको कुछ एक अच्छा सा आर्ट पीस बना सकते हो। नमस्ते माता जी, मम्मी आई। एंड हम मेरे पास एक OHP शीट है। हम ग्लास पेंटिंग सीख रहे हैं ना, तो OHP शीट है, ये इस तरह से आता है। देखो इसके पीछे लगा रहता है। अगर बच्चे कर रहे हैं तो बच्चों को हम ग्लास पीस नहीं दे सकते, इट्स वेरी रिस्की, है ना? तो मैं OHP शीट पर भी पेंटिंग बनाना और उसको हैंडल करना, है ना, मैं उतना आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे करते हैं। अब सबसे पहले हम जाते हैं जो कि सबसे इजी है ना, सबसे इजी है। आप देखो, अच्छा, हमारे को इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए, मैंने 3 चीज़ें आपको बता दी। एक हो गया OHP शीट, एक हो गया हमारे पास कांच का ग्लास, और एक हो गया बॉटल, है ना? अब जो मेन चीज है वो क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए ग्लास पेंट्स। ठीक है, मेरे पास फेविक्रिल के ग्लास पेंट्स हैं जो कि काफी अच्छे काम आते हैं, और मैं इनको बहुत सारी जगह पर यूज करती हूँ। इसलिए ना मेरे पास इतने हैं कि मेरे को इसके लिए पूरा बास्केट रखना पड़ता है। एंड उसके अलावा जो मेरा होल टाइम फेवरेट है और जो किसी भी चीज को एनहेंस करता है, वो है
3D गोल्ड आउटलाइनर। ओके, तो हम इससे भी पेंटिंग करना सीखेंगे, इसके अंदर हम ग्लास पेंट कैसे भर सकते हैं वो भी हम सीखेंगे, और जो हमारे ये जो ग्लास पेंट्स के साथ ये ब्लैक आउटलाइनर आता है, ठीक है, ये आउटलाइनर क्यों होता है? हम ब्रश से भी पेंट कर सकते हैं ना? नहीं, ये आउटलाइनर क्या होता है, ये थोड़ा थिक निकलता है और ये फ्लोई होते हैं। ये जो ग्लास पेंट्स है ना, ये देखिए, ये जो आपके ग्लास पेंट्स है ना, ये थोड़े फ्लोई होते हैं, ये स्प्रेड आउट हो जाएंगे अगर आपने उनको एक बाउंड्री नहीं दिया, तो ये स्प्रेड आउट हो जाएंगे। तो हमको सबसे पहले से हम डिज़ाइन बनाएंगे। ओके, तो डिज़ाइन हम सिंपल में आज हमारा फर्स्ट क्लास है जो कि बेसिक है, तो मैं आपको सिंपल डिज़ाइंस बताती हूँ, ठीक है। जैसे लोटस हैं, हम सिंपली लोटस बनाते हैं। प्लीज़ अगर नहीं दिखाई दे रहा, आई होप क्लियर हो, और अगर कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे बोलो। आप इसको ट्रेस भी कर सकते हो, अगर आपको कोई अच्छा डिज़ाइन है आप उसको ट्रेस करना चाहते हो, आप ट्रेस भी कर सकते हो, लेकिन आई प्रेफर कि मैं ड्राइंग करना है ना। तो देखिए, लीफ हुआ, ये हमारा सिंपल एक मिडिल में लीफ हो गया, ठीक है। इसके बाद ये हमारा साइड से हमने ये टू लीफ निकाल लिए। प्लीज मुझे कोई बताओ, ये क्लियर है ना, दिखाई दे रहा है ना? हाय मुना, प्लास्टिक भावना जी, प्लास्टिक बॉटल नहीं चलेगी, क्योंकि प्लास्टिक बॉटल ना गिर जाएगी। ये हैवी होते हैं और हमको हम इसको डेकोरेशन के लिए या वैसे यूज़ करना चाहते हैं। आप इसको हैंग कर सकते हो, है ना, आप लाइट्स लगा के इसको कहीं पर भी हैंग, जैसे मैंने दिवाली के लिए टाइम पे इसको डेकोरेट किया था बॉटल्स को, और उनको मैंने हैंग कर दिया था। जैसे मेरे पास बॉटल है और मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर मैंने रस्सी लगाया, मैंने इसको हैंग कर दिया। तो आप कांच के बॉटल को कर सकते हैं, क्योंकि इट्स हैवी। आप ग्लास का बॉटल मत यूज़ करो, आई थिंक आपका जितना भी मेहनत है वो बेकार हो जाएगा। ओके, तो ग्लास का कुछ भी आपको घर में जो मिल जाए आप उस पर ट्राई कर सकते हो। ओके ओके, चलिए अभी हम वापस अपने डिज़ाइन पर आते हैं। ये हमारा हो गया, ये एकदम सिंपल, ये देखिए अष्टकमल, क्या था ना, अष्टकमल हम बनाते हैं, हम वैसा कुछ, ये देखिए जो हमारी बेसिक चीजें हैं। बॉटल पे जाने से पहले मैं आपको वो बताती हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए, ठीक है, ये हमारा हो गया लोटस, जो हमारा बेसिक डिजाइन है। ओके, अब लोटस के नीचे हमको क्या करना है, ग्रीन उसकी लीफ देनी है। तो हम इसको ऐसे वेवी, लीफ दे देंगे, ठीक है। ये हमारी नीचे जो लोटस की लीफ होती है वो हो जाएगी। ओके, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसी में मैं ये जो डिज़ाइंस बता रही हूँ ये हम इसके बाद हम बॉटल पर बनाएंगे। ओके, सिंपली जिससे कि आपको समझ में आ जाए, सिंपल एक और हम लोटस की बर्ड जैसा भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखो, जब अगर लीफ अगर किसी को बनाना आ गया ना, लीफ एंड फ्लावर, तो आपको शेप्स बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये जो कर्व्स हमको चाहिए होते हैं ना किसी भी ड्राइंग के लिए, वो हमारे को सबसे ज़्यादा उसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए, लीफ की एंड फ्लावर्स की। ओके, हमारी ये हो गई हमारी बर्ड, ठीक है। ये दो तीन चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद हमारा जो एक जो कमल की जो पत्ती होती है ना, वो हम एक बना, मैं आपको एक बना के, वेवी लाइन, ये हमने वेवी लाइन लिया, उसके साथ हमने यहाँ पे एक और वेवी लाइन लिया। ओके, और यहाँ से इसको एक कप के शेप में ऐसे जोड़ दिया। ओके, और ये हम ऐसे डिज़ाइन निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा
लीफ, और ये हमारा लीफ हो गया, ये हमारा फ्लावर हो गया, ये हमारी बर्ड हो गई। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको जो एम्प्टी स्पेस होगी, हमको किसी भी आर्ट पीस में हमको जगह खाली नहीं छोड़नी होती है, उसको किसी भी तरह से फिल करना होता है। ओके, तो हम सर्कल्स फिल कर सकते हैं। सर्कल्स में से जब वाइट, आप जब अंदर लाइट डालोगे तो वो लाइट जब निकलेगी ना तो बहुत सुंदर दिखाई देगी। कहीं पर आपको मोस्टली सर्कल से उसको फिल करना है। आप जहाँ सर्कल डालोगे, आप किसी को खाली छोड़ सकते हो, किसी में ब्लू डाल सकते हो, किसी में येलो डाल सकते हो, किसी, अच्छा एक चीज और है, जितना डिजाइन आपका बड़ा होगा आपको कलर करने में उतनी दिक्कत आएगी, ठीक है। आपको मास्टरी चाहिए, अगर आपको डिजाइन बड़ा लोगे आपको मास्टरी चाहिए ग्लास कलर करने के लिए। हेलो सुनीता जी, ओके, अगर आप जितना छोटा डिजाइन लोगे उतना कलर फिल करना आसान होगा। ओके, ये चीज़ है, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको पेंटिंग में ध्यान रखनी है। ओके, मैं आपको इससे, ये देखिए, आप इसको ट्रेस करना चाहो आप ट्रेस कर सकते हो। ये हमारा ब्लैक आउटलाइनर, जब भी मोस्टली मतलब मैंने 15 इयर्स बैक भी मैंने ग्लास पेंटिंग खूब किया, और है ना उस टाइम भी ये हुआ करते थे, एंड मोस्टली हम इससे ही करते थे हमेशा, लेकिन हाँ अब हम उसको थोड़ी और वैरायटी देने के लिए ये 3D आउटलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी ब्लैक कलर से, अच्छा जो हमारा मेन डिज़ाइन है वो सेंटर में रखने की कोशिश कीजिएगा। कुछ भी हो, बटरफ्लाई हो, लोटस हो, डांसिंग गर्ल हो, आपको कोई फोटो बीच में लगाना हो, कोई भी चीज़ लेंगे तो मेन जो बड़ा आपका डिज़ाइन है जिससे कि वो प्रॉपर उभर के आए। ओके, कहीं अगर ऐसा हो, नहीं दिख रहा हो या मेरी आवाज़ नहीं आ रही हो तो प्लीज़ लेट मी नो। हमेशा डिज़ाइन ना पहले से बना के नीचे पेपर में रख ही लेने का, जिससे कि आप गड़बड़ाओ नहीं। ग्लास पेंटिंग ना ज़्यादातर सबसे पहले जो सबसे सुंदर जो फेमस है, आई थिंक वो वेनिस है। वेनिस में ग्लास पे बहुत काम होता है। ओके, और इंडिया में अगर देखेंगे, और जो मैंने देखा है इंडिया में वो है फिरोजाबाद करके एक जगह है आगरा के पास, वहाँ पे मोस्टली जितने बड़े बड़े शैंडलियर्स हैं ना उन पे कांच पे बहुत अच्छा काम होता है। बट जहाँ तक मुझे आइडिया है, इंडिया में हम कांच के ऊपर काम करते हैं, एंड वेनिस में कांच में कलर मिक्स करके उनका वो कांच का कलर ही बदल देते हैं। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अपन कुछ मिक्सिंग नहीं करेंगे, अपन अपने स्टाइल से इसको, ये देखो दिख रहा है ना, ये मोटा मोटा आ रहा है ना, एकदम थिक आना चाहिए। थिक आएगा तभी आपका कलर स्प्रेड नहीं होगा, अदरवाइज वो कलर आपका निकल कर बह जाएगा। ये देखिए है ना एकदम क्लियर है ना। अब इसमें एक हमारा लीफ नीचे आ गया, अनदर वन इज आल्सो कमिंग हियर, एंड 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया हमारा अष्टकमल। ओके, ये देखिए है ना। अब क्या करना है, अब हमारा एक तो फ्लावर हो गया, लीफ चाहिए हमको ग्रीन कलर की ना, जितना वाइब्रेंट कलर्स होंगे उतना अच्छा लगेगा। लीफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको वेवी लाइंस डालनी है।
ये देखिए ये नीचे वेवी लाइंस आ गई और यहाँ से हमने इसका स्टैम निकाल लिया। अच्छा जो सर्कल बनाएंगे ना, जो छोटे छोटे सर्कल्स हम बनाएंगे जिससे हम इसको फिल करेंगे, क्योंकि हमें खाली तो कुछ रखना नहीं है, तो हम जो सर्कल्स बनाएंगे ना, आपको पता है लोटस कहाँ होता है, लोटस पानी के अंदर होता है। ओके तो जो सर्कल्स हैं उनको कुछ को आप एम्प्टी छोड़ोगे, कुछ में आप येलो कलर डालोगे, क्योंकि पानी पे जब रेस पड़ते हैं ना, सन रेस पड़ते हैं, तब वो जो कलर्स आते हैं ना, येलो हुआ, ऑरेंज हुआ, है ना, उस तरह के ऐसे सर्कल्स करके आपको पूरा फिल करना है ना। अच्छा अभी मैं आपको एक यहाँ पर वर्ड भी अपन बना लेते हैं, ये देखिए, अगर कहीं भी कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझ आ रही है या आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज मुझसे जरूर पूछिए। कनेक्ट करना है ना, बिखरा बिखरना तो है नहीं, तो हमको यहाँ से स्टैम निकालनी है। ये हमारी स्टैम आ गई, ठीक है। अब इसको हम एक काम करते हैं, इतना मैंने आपको डिजाइन, अच्छा ध्यान रखिएगा हमें बॉटल को कहीं भी खाली नहीं छोड़ना है हम। अच्छा ये हमारा ना ड्राई होना जरूरी है, ड्राई नहीं होगा तो स्पॉइल हो जाएगा, है ना। तो ये जैसे सारे साइड में आप यहाँ पे स्क्वायर्स बना सकते हो, स्क्वायर करके छोटे छोटे, इसमें देखो इसमें डिज़ाइन बना ही हुआ है, आप इसमें ना ऐसे बना के इसमें कलर्स भर सकते हो। ग्लास पेंट्स में अपना अंदर से जो अपन लाइट्स डालते हैं तो बहुत अच्छी कलर्स के साथ ना बहुत अच्छी लाइट्स आती हैं, नाइट लैम्प के तौर पर तो ये इतना सुंदर लगता है ना रात को। मैंने जब तक किया नहीं था मुझे सीरियसली आइडिया नहीं था कि हम इसको नाइट लैम्प के तौर पे भी बना सकते हैं, है ना। और हम ये हमको सारा क्लोज करना होता है, सब ब्लॉक होना चाहिए, सब ब्लॉक नहीं होगा आपका कलर सारा फैल जाएगा। ठीक है आप कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं, आपको पूरा फिल करना है, खाली नहीं छोड़ना है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे जिससे कि मैं आपको इस पर कलर बता सकूं, है ना। अभी जिनके पास घर में सिंपल ग्लास है, ये देखिए सादा कांच का ग्लास है और आपके पास गोल्डन, ये हमारा मेरा होल टाइम फेवरेट, आप इससे कुछ भी कर सकते हो। देखो इसके लिए हमको क्या चाहिए, इस पे करने के लिए बेसिकली हमको क्या चाहिए, एक गोल्ड कलर, देन एक ग्रीन कलर, ओके, और एक हमको चाहिए रेड, मेरा वाला रेड कहाँ गया, पिंक, रेड, ये देखिए ये रेड, ओके ये हमको कलर चाहिए। किसी भी नॉर्मल ग्लास को आप कैसे ब्यूटिफाई कर सकते हो, उसको कैसे आप सुंदर दिखा सकते हो और थोड़ा सा उसको एक्सपेंसिव लुक दे सकते हो। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज निकला भाई, इसके लिए हमको गोल्डन कलर यूज करना है, ये हमारा ये देखिए, ठीक है। ये अभी पहले शुरू शुरू में एक क्रीम जैसा दिखेगा लेकिन आफ्टर सम टाइम ये बिल्कुल गोल्ड के जैसे शाइन करता है और ये निकलता नहीं है, कांच पे से मैंने कहा ना ग्लास पेंट्स निकलते नहीं है इजीली, ठीक है। हमको लीफ बनाना है, लीफ वाला पैटर्न बनाना है, ये देखिए, ओके पूरे में हमको ऐसे लाइंस निकाल के
ये हमारी क्लाइंट गई और ये देखिए मैं इसको सिंपली ऐसे ही पूरे में देख रहे हैं आप लीफ नीचे से छोटे छोटे ब्रांचेस जैसे हमने निकाले हैं। अब इन अब अनइवनली कहीं से भी आप इसको लीफ को निकाल सकते हैं, आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। पास पास रखना है लेकिन अनटाइडी नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा नीट रहना चाहिए। ग्लास में ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाना है, नीचे नीचे का बेस हमको बनाना है, ऊपर नहीं लेके जाना है। और कोशिश करें कि एक लाइन में रहे, है ना? ये देखिए, ये देखिए, एक लाइन में रहे। किसी भी आप इसका पूरा सेट, जिनको शौक है वो पूरा सेट तैयार कर सकते हैं। आपको तीन चीजें सिखाने की कोशिश करूंगी, के पास आपसे जो बन पड़े आप मुझे वो बनाकर ज़रूर पोस्ट करें, और कहीं भी आपकी कोई क्वेरी होती है तो वो मुझे ज़रूर क्वेश्चन करें, मैं आपका सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। दिख रहा है ये अभी जो क्रीमिश क्रीमिश दिख रहा है ना, ये जब ये ड्राई हो जाएगा ये पूरा गोल्डन दिखेगा। वैसे आप इसमें कोई भी कलर ले सकते हो, बट मुझे जो सबसे अच्छे लगते हैं वो इसमें कलर्स पे रेड और ग्रीन अच्छे जाते हैं। आप कह सकते हो मीनाकारी शॉट ऑफ वर्क नहीं होता है? उस तरह से मैंने इसके सेट्स देखे हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं मार्केट में। आप आराम से इसको नीचे रख के भी कर सकते हैं ना। देखो इतना मेरा हो गया, मैंने वहां करने की कोशिश की तो स्पॉइल हो जाएगा। ये देखो इतना हो गया हमारा, दिख रहा है? आई होप सबको दिख रहा होगा। ओके, अभी हम रेड कलर लेते हैं, ये देखिए। ओके, और इसमें कहीं कहीं पर हमको रेड भरना, ये फ्लोई है तो बी वेरी केयरफुल। ये देखिए रेड दिख रहा है ना, ये ऐसे ही बड़ा सुंदर सा दिखे। ये जब वो एकदम ऐसा ग्लास का ही शेप ले लेता है, ग्लास का ही लुक देता है। समय बबल आ रहा है, बबल को जरूर फोड़ दो, नहीं तो वो लास्ट मोमेंट जब ये ड्राई हो जाएगा ना तो बबल रह जाएगा और अच्छा नहीं दिखेगा। थैंक यू मोना, थैंक यू सो मच डियर। ये देखो, देखा मैंने कहा था ना, ये एक अच्छा एक्सपेंसिव लुक देता है। आप कुछ भी अपने घर में हो उसको एक आर्ट पीस में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये देखो, ये एक चीज़ आपको समझ में आएगी आप जब इसमें देखोगे कि जितना हम छोटा डिज़ाइन लेते हैं उतना अच्छा कलरफुल होता है, एंड जितना बड़ा डिज़ाइन लोगे ना उतना थोड़ा मुश्किल आता है। उसके लिए आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ता है यार, पहले सूख जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए, है ना? ये देखिए दिख रहे,
अब ग्लास की जो प्लेट होती है ना, ग्लास की प्लेट्स को आप है ना बैक साइड से ऐसे पेंट कर सकते हो तो वो बहुत सुंदर दिखाई देंगे। और ये भी डर नहीं है कि ये ना यार खाना तो हमारा स्पॉइल नहीं होगा ना, नहीं, क्योंकि बहुत सारी जब अपन एक्रेलिक पेंट्स करते हैं या अपन कोई भी क्रॉकरी पे अपन कोई भी पेंट करेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल होता है ना। जब आप ग्लास जो आपकी डिशेज हैं ग्लास की उसको आप पीछे के साइड से पेंट करते हो तो वो बहुत अच्छा लुक देता है। देखिए हो गई ना मीनाकारी इसको आप बहुत अच्छे से फिल करके बना सकते हो। मैं जितना होता है मैं करके दिखाती हूँ। आपका कलर भी इसमें कम जाएगा, ज्यादा जाएगा नहीं, है ना। ज्यादा कलर वेस्ट होता है तो मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है। थोड़े से चीज में कैसे हमारी चीज अच्छी बन सकती है। क्लियर दिख रहा है? है ना। आप इसको जितना घना करोगे और इसके सेट बनाओगे तो ये और बहुत प्यारा दिखेगा। ये जल्दी ड्राई हो जाता है, गोल्ड कलर तो जल्दी ड्राई हो जाता है। ग्रीन ये आपका ग्लास पेंट थोड़ा टाइम लेता है ड्राई होने के लिए, तो मुझे डर लगता है कि एक तरफ से वो स्प्रेड ना होने लगे। है ना, मस्त दिख रहा है ना। अब जब ये गोल्ड में एकदम गोल्ड जैसे शाइन करेगा ना तो ये और जब पूरी तरह से ड्राई होके तो ये और प्यारा दिखाई देगा। बस आपको थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है, एक ना ईयरबड हमेशा साथ में रखने की कि कहीं से वो फैले नहीं। मैं बोल जरूर रही हूँ मैं नहीं पाए। ये देखिए कैसा दिख रहा है, कोई मुझे बताएगा कि मेरा ये आर्ट पीस कैसा लग रहा है। ये देखो है ना, एक सिंपल ग्लास था आपका और एक ये ग्लास हो गया। ओके चलिए अभी हम वापस इस पर आते हैं। ये हमारा इसमें लोटस है। ओके तो इस लोटस में हमें क्या करना है, दो कलर हम यूज करेंगे, एक रेड एंड अनदर वन इज ऑरेंज। ओके ये देखिए कोशिश करना बबल्स जितने आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू आनंदी, थैंक यू। एक्चुअली आप मुझे बताते रहोगे ना, मुझसे बात करोगे तो मुझे समझेगा कि हाँ कि कोई कुछ मैं किसी को कुछ बता पा रही हूँ जितना मैंने सीखा है। ये देखो फ्लो हो गया ना, और नीचे जितना बड़ा डिजाइन होगा अपन को कलर ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। अच्छा अकेला रेड नहीं डालेंगे, और पिंक इतना ऑफकोर्स लोटस पिंक होता है लेकिन ना इसका कलर बहुत प्यारा आता है। ऑरेंज और इसका मिक्स करके ना, ऑरेंज जहाँ जहाँ खाली है वहाँ पर हम रेड के साथ ऑरेंज को मिक्स कर देंगे। आप पिंक और रेड यूज़ कर सकते हो,
पिंक रेड यूज ही कर सकते हो आप, रेड ऑरेंज यूज कर सकते हो, मेरे को ब्राइट कलर्स बहुत पसंद है ना, दैट्स वाई। है ना, इसमें आप वाइट डाल सकते हो, शेडिंग और शेडिंग देने के लिए आप इसमें वाइट डाल सकते हो। इसको ऐसे रखती हूँ और अभी आप देखो, ठीक है, अदरवाइज वो फ्लो हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि ये फ्लो नहीं हो। थैंक यू सो वेरी मच। मैं ना ऊपर जो बर्ड है ना उसमें आपको पिंक कलर भी करके दिखाती हूँ। रेड एक कलर मुझे कभी पसंद नहीं आता, कुछ तो मिक्सिंग होनी चाहिए। और है ना, इसमें जब आप मिक्सिंग करते हो ना तो ये जो वो रहती है ना एक्रेलिक पोरिंग आर्ट रहती है ना, जो कलर पोर करके जो आर्ट बनती है ना, तो उसमें कलर कैसे होते हैं, पूरी तरह से मिक्स नहीं होते, इसमें भी कुछ कुछ वैसा ही लुक आता है। और आप इसमें अपने जितने एक्सपेरिमेंट करना चाहो कर सकते हो। बेसिक चीज़ ये है कि आपका जो ब्लैक लाइन है वो थिक होना चाहिए, जैसे कि आपका कलर फ्लो होके बाहर ना जाए और स्पॉइल ना करे। और दूसरी चीज़ कि इसमें जो ये बबल बनते हैं इसको ज़रूर निकाल देना, अदरवाइज वो बाद में बिल्कुल अच्छे नहीं दिखाई देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। आई होप दिखाई दे रहा हो। मुझे ना बॉटल्स का बहुत शौक है, ये जो ऑफकोर्स बॉटल्स को पेंट करने का, उनको ना अभी रिसेंटली जब मैंने बनाना शुरू किया ना, तो मुझे पता पड़ा कि ये भी कितनी सुंदर आर्ट है। अदरवाइज मैं ऑलवेज कैनवास एंड पेंटिंग्स एंड स्केचेस में थी, लेकिन जब मैंने इसको बनाना शुरू किया है तो अभी मेरे पास इतने सारे हो गए हैं, कई सारे तो सेल आउट भी हो गए हैं, तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है इसको, इसमें कुछ ना कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। ये देखिए, है ना, अब आपको पिंक चाहिए। देखो पिंक और वाइट भी हम इसमें कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर डार्क कलर दिखा दिया, हम नीचे पिंक भी कर सकते हैं। पिंक लेंगे एंड रेड लेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। इनको इनकी मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है, ये अपने आप मिक्स हो जाते हैं, आपको एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रा सा हिला दो अपने आप मिक्स हो जाएंगे। और ये ना पहले ब्लैक डिज़ाइन जो है उसको करके ज़रूर से सुखा लेना, नहीं तो वो आपके डिज़ाइन को स्पॉइल कर देगा। ओके, अब ये देखो इसमें ना ब्लैक कलर लग गया है। किसी भी चीज़ को आप शेडिंग की तरह यूज़ कर सकते हो, जो ब्लैक कलर लगा है ना वो भी शेडिंग की तरह ही यूज़ हो जाएगा। ये हमारा लोटस आ गया, नीचे हमने इसको पिंक शेड दे दिया। ओके, और ऊपर में देखिए अभी हमारा फ्लावर हो गया है ना, अभी नीचे ये हमारी लीफ थी ना, तो ये हमारी लीफ आ गई। आई होप ये जल्दी सूख जाए। तो इसमें ना जो हमारा 3D गोल्ड लाइनर का जो इफेक्ट है ना वो ऑसम निकल के आता है, क्योंकि ये तो प्लेन प्लेन ड्राइंग हो गया ना, बड़ों के सब बच्चों के लिए तो ये भारी है, लेकिन बड़ों के हिसाब से देखेंगे तो हमने कलर ही तो फिल किया है, पहले पूरा डिज़ाइन कर दिया फिर कलर फिल कर दिया, तो थोड़े एक्स्ट्रा इफेक्ट्स भी देने चाहिए ना, उसको और एनहेंस करना चाहिए। तो हम उसको ये देखिए
दिख रहा है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऋषि। ये देखिए है ना, अभी हमारे पास कौन सा कलर है? ब्राउन भी है, यस ब्राउन भी है। तो हम यहाँ पे नीचे स्टैम में इसको ब्राउन फिल कर सकते हैं। अच्छा, पूरी बॉटल को ना, पूरी बॉटल को अगर, थैंक यू स्मिता, आई विश आप लोग सीरियसली ये आर्टिफैक्ट्स बनाओ और मुझे जरूर से पिक भेजोगे। लास्ट टाइम मैंने छोड़ दिया, इस बार मैं छोड़ूंगी नहीं। आप इस बार मुझे ना याद से, मुझे कुछ भी आप जो बना रहे हो, आप इवन मुझसे पूछो कि क्या। वेरी गुड वेरी गुड इशिता, वेरी गुड। आपको कहीं भी कुछ भी क्वेरी हो जस्ट आस्क मी, है ना। और ईयरबड जरूर रखना, क्योंकि ईयरबड से क्लीनिंग इजी होती है, क्लॉथ से क्लीनिंग थोड़ी दिक्कत दे होती है। और जितना आप डिज़ाइन बनाओगे ना, छोटा बनाओगे, वो उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी आपको मैंने यहाँ पे दो तीन कलर मिक्स करके बताया। थैंक यू मोना। मैं यहाँ पर ऊपर, ये हमारी बर्ड है ना, तो बर्ड हमेशा लाइट कलर की होती है। थैंक यू। बर्ड हमारी लाइट कलर की होती है, तो हमने नीचे ब्राइट कलर्स यूज़ किए हैं। ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर हम पिंक और वाइट को यूज करेंगे। आप स्पॉइल नहीं करना मेरे डिजाइन को प्लीज, बाहर इस पर रोने की जरूरत नहीं है ना। इसको आप ब्रश से भी, जहाँ आपका थोड़ा थोड़ी जगह रह गई है ना, उसको 0 नंबर के ब्रश से, पेंसिल से, किसी भी पॉइंटेड चीज से जो आपके पास अवेलेबल हो उससे कर सकते हो। ओके, अभी हमने क्या लिया है, पिंक। तो पिंक के साथ हम वाइट को शेडिंग देने के लिए हम इसको वाइट को यूज करेंगे। ठीक है, ये देखो पिंक हुआ हमारा, किधर है ये हमारा पिंक, ये हमारा वाइट। ये देखिए, पिंक लिया हमने। हमको कहीं भी, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि कोशिश करना कि कहीं खाली जगह नहीं हो। कुछ नहीं करना है, किसी भी बच्चे को पकड़ा दो, इसके सर्कल बनाते जाओ, सर्कल में जितना सर्कल खाली छोड़ना खाली छोड़ो, नहीं तो उसके अंदर, मैंने जैसे बोला, पानी में जिसका रिफ्लेक्शन आता है, येलो कलर, रेड कलर है ना, वो सारे आप फिल कर दो। अभी हमको यहाँ पे कौन सा डालना है, ब्राउन ना, आई थिंक ब्राउन होता है ना स्टैम्प। ये देखो, ये हमारा आ गया ब्राउन कलर। ओके, अभी जैसे ऑरेंज है, येलो है, मैंने ये जो सर्कल्स बनाए थे ना छोटे छोटे, आप इसमें कुछ नहीं करना, एक ड्रॉप डाल देना। देखा, जितना छोटा होगा उतना इजी होगा, ऑलवेज रिमेम्बर। मतलब बॉटल कितना भी बड़ा हो, आपका जो पीस है, आपका डिश है, बहुत बड़ा है, चलेगा। डिजाइन जितना छोटा होगा उतना नीट बनेगा। ये देखो है ना, ये सर्कल्स बना बना के, सर्कल कैसे बनाने हैं हमको, हमको कोई भी जगह खाली नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी, हमको सब जगह सर्कल, चाहे बड़े हों छोटे हों, है ना, ऐसे सर्कल बनाना है हमको। ये देखो, कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ना। उससे क्या होगा, आपका आर्ट पीस जो है वो एकदम नीट निकल कर आएगा। आप ब्लू के शेड्स भर सकते हो, आप पूरा ब्लू कर सकते हो, है ना। अब पूरे में ब्लू भरोगे तो इधर उधर फैलेगा, भागेगा कलर। लेकिन आप जैसे ये सर्कल्स हैं, इसमें लाइट ब्लू, अच्छा एक्रेलिक कलर को भी मिक्स कर सकते हो आप। एक्रेलिक कलर थोड़ा सा लेना, वाइट में वाइट ग्लास पेंट में मिलाना और ट्राई करना, नए नए कलर्स भी बना सकते हो आप, है ना। ये मैंने जैसे इसमें बनाया, अभी मैं इसमें ब्लू फिल कर सकती हूँ। क्यों, पानी ब्लू होता है ना, यहाँ पर डाल दिया, यहाँ डाल दिया। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं नीचे आपको करके दिखाती हूँ,
कि कैसे अगर हम पूरे में ब्लू कर देंगे। एक चीज़ और है, आप ब्लू कलर को पानी में मिला के या फेविकॉल में मिला के अगर बॉटल के अंदर डाल दोगे और अंदर करके उसको घुमाओगे पूरा, तो वो सारा ब्लू कलर का हो, मतलब आपका बॉटल अंदर से ब्लू हो जाएगा, आपको बाहर इतने एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। ओके ये देखो, ये देखो नीचे अगर आप ब्लू के शेड्स डालोगे ना तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक, अभी मैं इसको पूरा ऐसे नहीं कर सकती, अदरवाइज ना इसके कलर्स स्प्रेड हो जाएंगे। ये देखो है ना, ये सर्कल्स बना बना के मैं आपको इसका, इसको पूरा फिल करके ना मैं आपको इसका पिक शाम तक पोस्ट कर दूंगी। ओके ठीक है, अभी हमने बॉटल पे सीख लिया। ओके हमारा बॉटल के ऊपर हुआ, बॉटल हमें कोशिश करना है कि हमारा खाली ना छूटे, बॉटल पे हुआ, हमारा ग्लास के ऊपर हुआ। अब जो लास्ट चीज़ है कि ओएचपी शीट, ये हमारी ओएचपी शीट होती है, ये किसी भी स्टेशनरी की शॉप पर आपको मिल जाएगी है ना, टिश्यू के साथ ये इसके साथ आती है, ये आपको किसी पर भी मिल जाएगी। आप इसको कांच की जगह पे यूज़ कर सकते हो है ना, और बच्चे इस पर बहुत अच्छी ग्लास पेंटिंग कर सकते हैं। उसमें क्या है, उसमें आप ट्रेसिंग कर सकते हो बहुत इजीली। देखो ये मैंने जैसे इसमें लगाया है, कुछ नहीं किया, देखो जिसको डिज़ाइन बनाना है वो डिज़ाइन भी बना सकता है, खुद आप ड्रॉ करोगे वो सबसे बेस्ट है अगर हम ड्रॉ करेंगे है ना। हमारा आर्टिफैक्ट है, हम जैसा उसको बनाना चाहें, हमारी जो हमारे दिमाग से, ठीक है। लेकिन अभी मैंने बच्चों के लिए स्पेसिफिकली कि बच्चे समझें कि बच्चों के लिए थोड़ा इजी हो, ओ एच पी शीट हमें यूज़ करनी है। ओ एच पी के नीचे आपने नीचे प्रिंट आउट कोई भी निकाल के उनको दे सकते हैं, प्रिंट आउट लेके उसको मैंने स्टिक कर दिया, यहाँ पे टेप से चिपका दिया किसी भी हार्ड सरफेस पे है ना, और यहाँ पे टेप से चिपका दिया। और उसके बाद आप गोल्डन कलर से इसकी आउटलाइन करोगे क्योंकि इसमें इजी हो जाएगा ना। ये देखो मेरा गोल्डन कलर, और इसमें आपको कलर भी आसानी से समझ में आएंगे कि हाँ मेरे को क्या कलर करना है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, इसमें मैंने आपके लिए एक फ्लावर पहले से ही करके रखा है, आउटलाइन करके रखा है और वो सूख गया, तो देखो ये गोल्डन इफेक्ट दे रहा है, दिख रहे हैं गोल्डन दिखाई दे रहा है, ये इसका आउटलाइन हो गया। एंड इसके अंदर हमको रेड एंड येलो, किधर हो भाई येलो रेड, पहले हमको जो ज्यादा कलर लेना है वो हम येलो लेंगे। अच्छा इसको आप पेंटिंग को बना के ना, ये आप अपने सेफ भी रख सकते हो, कैसे आप इसको फ्रेम कर सकते हो, आप इसको दूसरी इसके ऊपर से ना दूसरा ओएचपी लगा दोगे तो वो आपकी बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाएगी, उस पर कोई डस्ट वस कुछ नहीं जाएगा और वो खराब नहीं होगा आपका कभी भी, ठीक है। हमने इसमें येलो यूज किया और शेडिंग के लिए हमने इसमें ये अपने आप ही उसको जो फ्लोइंग आर्ट होती है ना, अपने आप ही उसको शेड दे लेगा। ये देखो इतना सुंदर शेड आएगा ना इसका, ये देखो देखा, वो अपने आप मिक्स हो जाएगा जैसे हमारे पोरिंग, जो हमारी पेंटिंग रहती है ना पोर वाली, उसमें होता है वैसे ही। रेड लिया और येलो नीचे की तरह हम, तब ये सारे बबल्स आपको हटा देने हैं सिंपली, आपके पास सेफ्टी पिन हो, आपके पास ईयरबड हो है ना, बहुत
कर देते हैं, अदरवाइज इनको हटा देंगे का, ठीक है। आउटलाइन क्योंकि ये गोल्डन जो कलर है मेरा, गोल्डन 3D आउटलाइनर जो है वो थिक है, इस वजह से वो बाहर स्प्रेड नहीं होने देगा। रिमेम्बर जो भी हम ब्रश से इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें इसे फिल करना है। देख रहे हो आप शेड, मैं आपको इसको ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं आपको इसका पिक डाल दूँगी। आप लोग प्लीज़ मुझे इस बार पिक ज़रूर भेजें, मेरा नेक्स्ट मेरा सैटरडे क्लास है कैनवस पेंटिंग का, मेरे को बहुत दिक्कत होगी अगर आप मेरे को फोटोग्राफ्स नहीं भेजोगे ना, क्योंकि मुझे आइडिया कैसे लगेगा कि आप लोग बनाना चाह रहे हो कि सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो, मुझे जानना है ना। ये वाटर कलर बेस है जो ये है ग्लास पेंट्स है ना, ये इनका बेस वाटर वाटर का ही रहता है, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं आती। आप इसका लास्ट ड्रॉप तक यूज कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है ये वाले कलर्स आप ले लोगे ना, ये आपके कलर्स बहुत चलते हैं, मैं कम से कम इससे 15 से 20 बॉटल्स बना चुकी हूँ और अभी भी ये मेरे पास है अच्छे खास। नीचे आपको कलर दिख रहा है या फिर आप फोटो प्रिंट आउट ले लेने का ना, उससे भी आपको समझ में आएगा। फोटो प्रिंट आउट से बहुत इजी हो जाता है बच्चों के लिए कोई भी पेंटिंग बनाना, है ना, क्योंकि उनको नीचे से कलर भी समझ में आएंगे। अच्छा ये देखो, अभी मैं इसको ना आपको सीधा नहीं करके दिखा सकती, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ये देखो है ना, इसमें हम हमारे पास ब्राउन कलर था, इसमें शेड्स भी इतने आते हैं कि हम अपना कोई भी अच्छा सा सुंदर सा पेंटिंग बना सकते हैं। ये मैंने इतने पार्ट को ना मैंने गोल्डन 3D आउटलाइनर से आउटलाइन किया हुआ है, तो वो बाहर नहीं जाएगा। ये हम ब्राउन कलर यहाँ करेंगे एंड जो उसका स्टेम है हमने उसको ब्राउन कलर किया, और जब ये सूख जाएगा तो इसको एनहेंस करने के लिए आप क्या करोगे, इसको मैं आपको ड्राई वाले पार्ट में बताती हूँ। इसको एनहेंस करने के लिए आप इससे अंदर ये गोल्ड इफेक्ट दोगे, इससे एक 3D लुक आ जाएगा इसमें। समझ आया? कोई भी इसमें दो कलर्स को मिक्स करना बहुत आसान है। बिकॉज इनकी जो ये है ये फ्लोइंग रहती है ना, तो ये अपने आप ही मिक्स हो जाते हैं। ये देखो इसको हम ड्राई होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए दिख रहे हैं फ्लावर, अब उसको मैं आपको ना ये कोशिश करूंगी कि मैं निकाल के दिखा सकूं। कोई भी चीज को जब पेंट करना है तो जरूर से उसको टेप लगा के रख लो, तो आपका जो नीचे का प्रिंट आउट है वो नहीं हटेगा।
मैं इसको ड्रॉ भी कर सकती हूँ, तो मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने दिख रहे ना, जब ये पूरा फिल हो जाएगा तो ये और अच्छा लगेगा। ये देखो है ना, पहले हमको 3D आउटलाइनर से, थैंक यू, 3D आउटलाइनर से हमको आउटलाइन ज़रूर करनी है। ये देखो ये स्प्रेड हुआ ना, गीला होगा तो वो स्प्रेड है ना निकल जाएगा। हमको हमें कुछ भी, जब भी हमको ग्लास पेंट यूज़ करने हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हमको पहले 3D आउटलाइनर से आउटलाइन करनी है, उसके अंदर हमको फिर फिल करना है। और वो आपको शेडिंग देना इसमें, ये कलर्स में शेडिंग देना सबसे आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो कलर जब फ्लो होता है तो अपने आप में ही मिक्सिंग कर लेता है। ये देखो इसमें मैंने कहीं भी खाली नहीं छोड़ा है। और अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, आप इसको ना रात को नाइट लैम्प की तरह बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। ये देखो है ना, दिख रहे, थैंक यू श्वेता। अगर आप लोग मुझे ये बॉटल बनाकर भेजोगे ना, तो मैं आपको दिखा बताऊंगी कि इसको टाई करके, यहाँ से टाई करके ये बड़े सुंदर लगते हैं। आपको किसी चीज़ की ना डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है, दिवाली हुआ, न्यू ईयर हुआ, इनको ना हमने टाई करके टांग दिया था। और ये इतनी, देखो कलर्स के साथ ना, ये फ्लावर का देखो, अच्छा जो फ्लावर मैंने बनाया वो मैं आपको एक और दिखा पाई। ओके, जो मैंने फ्लावर बनाया है ना, मैं फ्लावर में अभी नहीं कर सकती, बट मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ ध्यान से देखो। ये इसमें जो लाइंस हैं, रेड वाले फ्लावर में जो लाइंस हैं, ये मैंने बीच में 3D आउटलाइनर से उसको एनहेंस किया है, उसके पोलन ग्रेन्स बनाए हैं, उसकी जो नर्व्स होती है ना वो वैसे बनाने की कोशिश की है। ये देखो है ना, कहीं खाली नहीं छोड़ा है। थैंक्स स्मिता, कहीं भी खाली नहीं छोड़ा है, आपको पूरा फिल करना है ना। नीचे नीचे जैसे कुछ नहीं है, देखो लीफ के पैटर्न, लीफ बनी हुई है ना। क्या करना है, कहीं लाइट ग्रीन यूज़ किया है तो कहीं डार्क ग्रीन, कॉन्सेप्ट क्या लेना है, कॉन्सेप्ट है हमारा फ्लावर्स एंड लीफ। तो लीफ में जो हमारे कलर्स यूज होते हैं, लाइट ग्रीन हुआ, डार्क ग्रीन हुआ, येलो हुआ है ना, हमको वो यूज करने हैं। अच्छा, अगर आप, मैंने जिस तरह बोला कि मुझे बड़ा शौक है बनाने का, तो मेरा एक ये हो गया, ये मेरा एक आर्ट पीस हो गया। ठीक है, देखो ये कितना सुंदर लग रहा है, ये फ्लावर ना कितना प्यारा लग रहा है। और ये रात को आप है ना इसको नाइट लैम्प की तरह यूज करो, ये अमेजिंग दिखता है। फिर मेरा एक, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने एक्रेलिक कलर्स यूज़ किए हैं, नियॉन कलर्स यूज़ किए हैं है ना। और मैंने इसमें, ये थोड़ा इससे हायर लेवल है, थैंक यू शिवानी, ये इससे थोड़ा, आप है ना ये मुझे बना के भेजो, ये वाला मुझे बना के भेजो, तो मैं ये क्ले, इसमें क्ले के साथ है, ये पूरा क्ले के ऊपर का पोर्शन जो है, ये दिख रहे हो, ये देखो ये क्ले का है, ये पूरा क्ले का कमाल है हमारा। और नीचे हमारे ब्लैक आउटलाइनर हमारा है एंड न्यून कलर्स है। और इसके ऊपर जब आप में तो ये भी बनाकर भेज पाओगे, जब हम वो भी सीख लेंगे तब उसके बाद हम इसको सीखेंगे है ना। इसका मेरा लाइट गया, अदरवाइज ना इसके अंदर पूरी बारात ही, मैं आपको ज़रूर दिखाती थी कि कैसे इसके अंदर पूरी बारात दिखाई देती है ना। ये देखो, ओके, तो जब आप आई होप मैंने आपको तीन चीज़ें बताने की, मैंने आपको तीन ऑप्शन दिए। आप OHP शीट लाके बना सकते हो, बेसिक चीज़ क्या है, जो बेसिक चीज़ें हैं इसमें ब्लैक आउटलाइनर ज़रूरी है,
या फिर 3D आउटलाइनर ज़रूरी है, कोई सा भी 3D आउटलाइनर आप यूज़ करो, आपके डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। आपके घर में कांच का प्लेट है, आपके घर में कांच का ग्लास है, आप उस किसी पर भी बना के, लेकिन चीज़ क्या होनी चाहिए, कांच की होनी चाहिए। क्यों, इनका नाम ग्लास पेंट इसलिए है क्योंकि ये ग्लास पे अच्छी पकड़ बनाते हैं और उस पर निकल देनी है। और जो मेरा सबसे सुंदर बॉटल है ना, जो कि क्ले में है, वो ये देखो, है ना। तो आप लोग जब मुझे, आई रियली विश कि इस बार लास्ट टाइम मुझे किसी ने अपने आर्टिफिक्स बन, सब बना रहे हैं, ऐसा नहीं बना नहीं रहे हैं, सब बना रहे हैं लेकिन, है ना, मुझे भेज नहीं रहे हैं। तो आप मुझे आर्टिफिक्स लेकर भेजो जिससे कि मैं आपको और चीज़ें भी सिखा सकूं जितना मैंने अभी तक सीखा है ना। तो ऑल द बेस्ट, मैं आपको 2 दिन देती हूँ, आज 28 है ना, 30th है ना, 30th तक सबमिशन करने की कोशिश करें। थैंक यू श्वेता, आई रियली वॉन्ट कि आप लोग कुछ ना कुछ बनाओ, कुछ ना कुछ बनाओ, आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा लॉकडाउन पे और कुछ क्रिएटिव आपकी, कि हाँ ये मैंने बनाया है, ऐसा मुझे लगेगा कि मैंने किसी को कुछ सिखाया, जो मैंने सीखा उसमें किसी को कुछ सिखा पाई। तो हम जरूर, हमको क्या करना है, हमको फेविक्रिल कलर्स, हमको, मुझे सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, मुझे चाहिए फेविक्रिल। अब मैंने जो चीज़, क्या होता है, बच्चा जब क्लास में जाता है और क्लास में टीचर नहीं देखेगी, बच्चा कलर नहीं लाया है, तो टीचर पनिश करती है ना, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, जब तक आप मुझे कलर्स की पिक नहीं भेजोगे मुझे समझेगा ही नहीं कि आप लोग बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, तैयार हो कि नहीं तैयार हो। ऐसा तो नहीं ना था कि ज़बरदस्ती सिखाते जाओ, नहीं ना। तो मुझे 2 चीज़ें भेजो, एक कलर्स के पिक भेजो और दूसरा आपने जो भी आर्टिफैक्ट बनाया है उसका पिक भेजो, और उस पर नाम ज़रूर लिखो। एंड कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह की क्वेरी हो, प्लीज आप मुझसे जरूर पूछो, ओके। चलो हम लोग फिर मिलते हैं, सैटरडे को मेरा कैनवस पेंटिंग का सेशन है, सैटरडे या आई थिंक संडे। थैंक यू जीनल, थैंक यू सो मच डियर, तभी हम मिलते हैं। और तब तक आई होप, आई विश कि आप मुझे ये सारी चीज़ें भेजोगे, ओके। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सी या, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ, ओके, बाय बाय।